गाइज Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro में काफ़ी सारे जो अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ Redmi Note 8 की, तो भाई Redmi Note 8 में MIUI 13 के काफ़ी सारे जो अपडेट्स हैं वो अलग कंट्रीज़ में यानी कि ग्लोबल में EEA में और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में देखने को मिले हैं। लेकिन मैं बात करूँ कि भाई इंडिया में MIUI 13 या फिर MIUI 14 जो है वो Redmi Note 8 या फिर Redmi Note 8 Pro को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि यार काफ़ी सारे लॉट्स ऑफ कमेंट्स आते हैं कि भाई Redmi Note 8 में अब अपडेट आएगा। हालांकि Redmi Note 8 में काफ़ी सारे जो MIUI 13 के अपडेट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में कंटिन्यू रिलीज़ किए जा रहे हैं। इंडिया की मैं बात करूं तो भाई इंडिया में भी काफ़ी जल्द इसको यहाँ पर MIUI 14 भी देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro के बारे में सारी ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि भाई अब अपडेट्स यहाँ पर कौन कौन से डिवाइसेज में मिलेंगे नहीं, और इंडिया में यहाँ पर कोई अपडेट मिलने वाला है फिर नहीं। तो यार ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए, भाई चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी यार लॉट्स ऑफ वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए गाइस देखते हैं कि भाई Xiaomi ने यहाँ पर Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro को अपडेट्स अब यहाँ पर देना बंद कर दिया है। काफ़ी सारे मॉडल्स ऐसे हैं जिनको अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं बात करूं भाई Redmi Note 8 की, तो भाई Redmi Note 8 के लिए काफ़ी सारे जो अपडेट्स हैं वो कंटिन्यू रिलीज़ किए जा रहे हैं। अभी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि भाई इन लोग को अपडेट अब आगे इन डिवाइसेस को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे और इंडिया में कौन सा अपडेट आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ Redmi Note 8 की, तो Redmi Note 8 का जो 21 मॉडल है उसमें यहाँ पर काफ़ी सारे जो अपडेट्स हैं रिलीज़ किया जा रहा है। अभी रिसेंटली एक नया अपडेट आया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोबल में रिलीज़ किया है 13.0.9.0, जो कि भाई स्टेबल अपडेट है। और इस अपडेट में आपको यहाँ पर जो है जनवरी 2023 का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिला है। इवन और भी काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, 13.0.7.0 भी आया है और उसके साथ और भी काफ़ी सारे अपडेट है, 13.0.6.0 भी मिला है, जो कि भाई स्टेबल अपडेट है और ये सारे ही Redmi Note 8 को देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। अभी मैं बात करूँ कि भाई Redmi Note 8 Pro को क्यों अपडेट नहीं मिल रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। रिसेंटली अभी आप देखेंगे यहाँ पे, अभी जो ये मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ ये Redmi Note 8 Pro है और इसमें यहाँ पर अपडेट की मैं बात करूँ तो ये फिलहाल MIUI 14 का लोगो है जो कि भाई ऑफिशियल है, लेकिन ये आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। रिसेंटली यहाँ पर जो अपडेट अभी रिलीज़ किया गया है 12.5.10.0 है, जो कि इंडिया में चल रहा है। इसके बाद से Redmi Note 8 Pro के लिए कोई अपडेट नहीं आया है। और अगर मैं बात करूँ कि भाई अपडेट क्यों नहीं आया है, तो यहाँ पर आप ऑफिशियल देखेंगे Xiaomi की ऑफिशियल साइट पर, यहाँ पर आप देखेंगे MIUI Xiaomi ऑफिशियल है, यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो एग्जैक्ट होती है। तो यहाँ पर Xiaomi ने इन डिवाइसेस को EOL की लिस्ट में डाला हुआ है, यानी कि EOL और EOS की, लेकिन इस लिस्ट में आपको Redmi Note 8 अभी तक नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिवाइसेस को ऐड किया है, जिसमें आप देखेंगे Redmi Note 7 है, Redmi Note 7S है, Redmi Note 7 Pro है, और यहाँ पर आप देखेंगे और भी काफ़ी सारे मॉडल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे Redmi Note 8 Pro भी इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर K20 है, K20 Pro है, इवन यहाँ पर K30 भी अब ऐड कर दिया है। मतलब Xiaomi सबको ही यहाँ पर UL की लिस्ट में और US की लिस्ट में डाल रहा है, लेकिन इस लिस्ट में कहीं भी आपको Redmi Note 8 देखने को नहीं मिलेगा। अभी आप चेक कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम दोनों जगह दे दूंगा, वहाँ से भी आप एक बार चेक कर लेना। लेकिन इस लिस्ट में आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर आपको कहीं पर भी Redmi Note 8 डिवाइस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। Redmi Note 8 Pro है, K20, K20 Pro है, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, इवन और भी काफ़ी सारे ऐड कर दिए, K30 वगैरह, लेकिन इस लिस्ट में Redmi Note 8 नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि भाई Redmi Note 8 को और भी काफ़ी सारे अपडेट्स देखने को मिले, क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक और नया अपडेट जो वो रिलीज़ किया गया था Redmi Note 8 के लिए, लेकिन Redmi Note 8 Pro में यहाँ पर अपडेट जो है वो देखने को मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इसको जो है UL की लिस्ट में और US दोनों ही लिस्ट में यहाँ पर Xiaomi ने ऐड कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं November 24 से 2022 हैज़ बीन एडेड US लिस्ट, मतलब Redmi Note 8 Pro को यहाँ पर US की लिस्ट में डाल दिया, यानी कि एंड ऑफ सपोर्ट की लिस्ट में जो है Xiaomi ने ऐड कर दिया है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि भाई MIUI 13 तो इसको मिलना मुश्किल ही है, मतलब आप 90% तो ना समझो, बाकी 10% तो Xiaomi कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर Redmi Note 8 के अभी चांसेज ये हैं कि भैया अपडेट हो सकता है कि देखने को मिले, क्योंकि अभी इसको जो है यहाँ पर EOL की लिस्ट में तो डाला था पहले, लेकिन US की लिस्ट में नहीं डाला है। तो देख सकते हैं कुछ अपडेट्स और भी देखने को मिलेंगे Redmi Note 8 को, बट यहाँ पर Pro की जो सर्विस है वो एंड कर दी है। लेकिन यहाँ पर 2021 मॉडल में काफ़ी सारे जो अपडेट्स हैं, इवन यहाँ पर मैं बात करूँ इस Redmi Note 8 में MIUI 14 भी मिलेगा और Android 13 भी मिलेगा, क्योंकि ये जो है वो नॉर्मल वाला फ़ोन नहीं है, ये 2021 मॉडल है। अभी जो नॉर्मल वाला वो 2019 मॉडल है, जो कि COVID-19 आया था, सेम उस टाइप से, फिलहाल कोविड हटाओ यहाँ से। तो इस तरीके से जो अपडेट्स हैं वो आएंगे, और यहाँ पर जो इस डिवाइस है यानी कि जो Redmi Note 8 2021 मॉडल है, इसको काफ़ी सारे और भी अपडेट यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपके पास ये वाला डिवाइस है इंडिया में भी, तो आपको यार काफ़ी सारे अभी अपडेट मिलने वाले हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro जो नॉर्मल वाले वर्जन हैं उनमें कम अपडेट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर Redmi Note 8 Pro के तो भाई लाइफ ही एंड कर दिए Xiaomi ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है।
काफ़ी लेजेंड फ़ोन था ये, लेकिन इसको लेजेंड को मतलब बिल्कुल ही लास्ट कर दिया है शाओमी ने, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं किया। अभी और भी कुछ अपडेट यार MIUI 13 टू एटलीस्ट यहाँ पर देना ही चाहिए था, क्योंकि इसका जो नंबर है वो सेलिंग का वो काफ़ी बड़ा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया आपके पास कौन सा फ़ोन है, Redmi Note 8 है या फिर आप अभी भी Redmi Note 8 Pro यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड दोस्त को शेयर करें, भाई चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।